और जिनकी कमाई मासिक कमाई 15,000 रुपये या इससे कम है तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं। नमस्कार ईपीएस पेंशन धारकों, आपके लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। ईपीएफओ की तरफ से सब्सक्राइबर के लिए बहुत ही अच्छी खबर, जल्दी 3 गुना तक बढ़ सकती है न्यूनतम पेंशन राशि। 1,000 रुपए से 3,000 रुपए तक बढ़ सकती है आपकी न्यूनतम पेंशन राशि। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के खाता धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी देखी जा सकती है, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के खाता धारकों को जल्दी बड़ा तोहफा मिल सकता है। ईटी नाउ स्वदेशी रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले महीने ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में न्यूनतम पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी पर चर्चा होने की उम्मीद। न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपए से 3,000 रुपए किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रम सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी के इस मामले में जल्दी रिपोर्ट सौंपेगी और इस फैसले से ईपीएफओ के यानी कि करीब 6.5 लाख पेंशनधारक और 5 करोड़ सब्सक्राइबर को सीधा ही फायदा होने वाला है। इसके अलावा बैठक में सीबीटी की जो एक्टिविटी लिमिट यानी कि 15% से बढ़ाकर 25% किए जाने पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि लेबर जो यूनियन एक्टिविटी में निवेश बढ़ाने के पक्ष में नहीं है और पीछे वह शेयर बाजार में अनिश्चितता की वजह बता रहा है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने कुछ दिन पहले जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट जो फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइबर को झटका देते हुए इनकी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 8.1% इंटरेस्ट रेट का ऐलान किया था। यह 4 दशकों का न्यूनतम स्तर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो पीएफ पर ब्याज दर 8.5% थी, लेकिन वह घटकर इनकी 8.1% हो गई है। सरकार के इस फैसले का असर 65 मिलियन सब्सक्राइबर यानी कि 6.5 करोड़ नौकरी करने वालों पर होगा। घटते इंटरेस्ट रेट के बीच आकर्षक बनाए रखने के लिए सरकार ईपीएफओ फंड में जो ईपीएफओ फंड से शेयर बाजार में निवेश की लिमिट में बढ़ाने पर चर्चा कर रही है। तो इससे आपकी पेंशन को लेकर भी बहुत बड़ी यानी कि खुशखबरी, क्योंकि आपकी पेंशन भी बढ़ोतरी हो सकती है।